नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार की समीक्षा करने के लिए बैठा हूँ। भारत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल तक 6-7 बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाए, जैसे नोटबंदी, GST, 3 तलाक, धारा 370 और किसान बिल। इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, RSS और उनके सहयोगी संगठन अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राम मंदिर का था, उसको भी उन्होंने हल कर लिया है। मगर जो RSS और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भी जो सबसे बड़ी मांग थी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी देशवासियों को एक समान नागरिक का दर्जा दिया जाए, वो 6 साल लगातार शासन में रहने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानून नहीं लाया गया। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं किस तरह से तय कर रखी हैं। प्राथमिकताओं के आधार पर जिस सबसे महत्वपूर्ण कानून को देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और सद्भाव के लिए पहले पास कर देश में लागू करना चाहिए, वो अभी तक नहीं किया गया। ये बहुत शोचनीय विषय है। किसान भाई आजकल पूरी तरह से 3 बिल जो पास हुए हैं उसके विरोध में दिल्ली को घेरे हुए हैं। हम उस पर इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से सबसे पहले समान नागरिक संहिता देश में लागू करे। उसके लागू होते ही सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अगर सरकार में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता लागू कर देते तो 3 तलाक, धारा 370 जैसे कानून बनाकर उनको लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समान नागरिकता का कानून लगते ही जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के लोग समान नागरिक हो जाते। 3 तलाक के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कानून नहीं बनाना पड़ता। सभी देशवासियों को एक ही संविधान, एक ही कानून के तहत लाया जा सकता है समान नागरिक संहिता के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी के समझदार मंत्रियों, सहयोगियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून बनाने की दिशा में काम करने के लिए आग्रह करना चाहिए। राष्ट्रहित में जारी। जय हिंद, जय भारत।